नमस्कार, आपके सामने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट कोविड वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। लास्ट पिछले कुछ महीने में काफ़ी सारा केसेस हमारे पास पोस्ट कोविड के आए हैं और लोगों को ये वास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है हिप जॉइंट पे। तो इसका मेन जो कॉज है यूजुअली स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड इंड्यूस करने के लिए हुआ है सब चीज़ें। तो क्या आपने कोविड के लिए स्टीरॉयड लिए थे, और अगर स्टीरॉयड लिए होंगे आपने तो उसका मात्रा क्या था, कितने दिन के लिए लिए था आपने। इसमें देखा गया अगर स्टीरॉयड 400 mg से लेकर 700 या 1200 mg तक किसने लिया है तो उनको चांसेस है पोस्ट कोविड वास्कुलर नेक्रोसिस होने का। तो लगभग कोविड होने के 6 महीने 1 साल के बाद काफ़ी केसेस इस तरह देखने को मिल रहा है कि उनको काफ़ी कमर में पेन हो रहा है, उनको कूल्हे में पेन हो रहा है। तो इस कंडीशन को बिल्कुल आप नज़रअंदाज ना करें, बिकॉज ये पोस्ट कोविड के सिंड्रोम है और ये वास्कुलर नेक्रोसिस के सिंड्रोम है। इसमें इमीडिएट आपको एक्सरे और एमआरआई कराना चाहिए और साथ साथ उसका इलाज भी स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये किसी भी मेडिसिन से नहीं रोकते हैं। देयर इज नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इसमें ऐसा नहीं हो तो समटाइम्स डॉक्टर्स को ही पता नहीं चल रहा है कि बैक से हो रहा है कि आपका कूल्हे से पेन हो रहा है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत क्रिटिकल एक कंडीशन है। सर अभी कुछ पेशेंट ऐसे भी आए जिन लोगों ने स्टीरॉयड लिया ही नहीं है लेकिन उसको वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड हुआ है। कोविड हमारे जो कैपिलरीज होता है, जो स्मॉल वेसल्स होता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन किडनी आर्टरीज होता है, उनको वास्कुलराइटिज करते हैं और एम्बोलिज्म कर उसको ब्लॉक कर देते हैं उसको। जिससे क्या होता है, धीरे 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 ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में जो हमारे नेक्रोटिक जोन बना देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द पर्टिकुलर एरिया। और स्टीरॉयड भी सेम काम करते हैं। तो कोविड प्लस स्टीरॉयड दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिससे वास्कुलाइटिस होता है और एम्बोलिज्म फॉर्म होता है, जिससे आपका जो कैपिलरीज है वो धीरे 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 बंद हो जाते हैं और आपका बोन नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कंडीशन यूजुअली आपका कूल्हे में सबसे ज़्यादा दिखा जाते हैं, लेकिन आपका शोल्डर जॉइंट पर भी हो सकते हैं, हेड ऑफ जो हमारे शोल्डर जॉइंट है वहाँ भी आपको होने के चांसेस रहेगा। इन बिटवीन लास्ट ईयर से लेकर अभी तक मोर देन 200 केसेस हम लोगों ने रिसीव किए हैं, और कुछ लोगों का बहुत ही एडवांस स्टेज था, कुछ लोग बहुत अर्ली स्टेज में आ गए थे। तो जो बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में आए उनको तो बहुत जल्दी बहुत क्विक हम लोग रिकवरी उनका कर पाए हम लोग। और ट्रीटमेंट यूजुअली जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, यूजुअली हिप रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करते हैं या तो कोर डी कंप्रेशन विद बोन ग्राफ्टिंग, बट ये दोनों जो प्रोसेस है ये नेक्रोसिस को रोकते नहीं है। कुछ देर तक आपका स्टेज को वो कर सकते हैं, आपका सर्जरी को रोक सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्रेशन है उसके नेक्रोसिस के उसको रोक नहीं पाते। इसमें इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है लाइक फोकस एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सॉकोएव विद कॉम्बिनेशन विद रोबोटिक पल्स लेजर, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और हाथों हाथ आपका जो नेक्रोसिस प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। और ये एग्जैक्टली करते क्या है, एग्जैक्टली हमारे जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है उनको एक्टिवेट कर देते हैं, साथ साथ आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बहुत क्विक डाउन कर देते हैं और एंजियोजेनेसिस करते हैं। मेन स्पेक्ट्रम ऑफ लेजर एंड एक्स्ट्राकॉर्पोरल सॉकोएव इज प्रमोटिंग न्यू वास्कुलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। इनका जैसे एंजियोजेनेसिस होंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और नेक्रोसिस प्रोसेस हाथों हाथ रुक जाते हैं। और जितना अर्ली स्टेज में हम कराएंगे इसको, इसका चार स्टेज होता है वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड के, तो जितना अर्ली स्टेज होंगे उतना परसेंटेज ऑफ बोन लॉस कम होता है। तो इसको अर्ली स्टेज में करा लेना चाहिए, एडवांस स्टेज में भी हो सकता है इलाज, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आंटी लोग बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए।
और काफ़ी एडवांस मेथड है और काफ़ी रिसर्च है इनके और नेकोसिस को ये परमानेंटली रोकता है। जो 10 ईयर का स्टडीज़ है इसमें इसमें देखा गया है ये नेकोसिस को बढ़ने नहीं देता है और धीरे धीरे इनका स्टेज भी कम हो जाते हैं, बोन अपने आप ही हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। हमारे पास काफ़ी जगह से जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपके दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, काफ़ी पेशेंट हमारे पास आए हैं। लेट स्टेज में क्या होता है आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे मसल टाइटनेस होना, मसल्स पावर घट जाना, सीवियर पेन होना और बोन जो सबकॉन्ट्रल लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं उसमें, तो धीरे धीरे तो फिर कोलैप्स होने लगते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट प्री कोलैप्स स्टेज में हो जाना चाहिए। प्री कोलैप्स स्टेज इन द सेंस थर्ड स्टेज पहुँचने से पहले पहले अगर हो जाएंगे तो इमीडिएट उसको आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपको कोविड हुआ था और आपने स्टीरॉयड के सेवन किए थे और आपको पेन हो रहा है कमर या कोले में, तो उसको आप बिल्कुल ही हल्के में ना लें, ये बहुत घातक हो सकता है। सो गाइज, अगर आप लोग ये वास्कुलर नेक्रोसिस में से पीड़ित हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको इमीडिएट आप करवाइए इसको इलाज को, और इसके लिए कोई मेडिसिन होता नहीं और स्टडीज़ कहता है कोर डिकम्प्रेशन, बोन ग्राफ्टिंग ऐसा कोई काम करते नहीं है इसमें। और अर्ली स्टेज ओनली ऑप्शन जहां हम लोग एक्स्ट्रा कपल सॉफ्ट वाइप से और लेजर से उसको इमीडिएट रोक सकते हैं और धीरे धीरे बोन जो है आपका रिपेयर और रिगो प्रोसेस में चले जाते हैं, जिससे आपका कुछ महीने के अंदर आपका धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।